चारमीनार यूनानी हॉस्पिटल व कॉलेज के स्टूडेंट्स गुज़िश्ता दिनों कमिश्नर आयुष के जारी करदा मकतूब को वापस लेने और इसमें यूनानी को शामिल करने का मुतालबा करते हुए आज भी अपना एहतजाज जारी रखा। तुलबा चाहते हैं कि दीगर शोबों की तर्ज पर यूनानी के साथ भी एक सा सलूक किया जाए, मस्कुरा ऑर्डर में अमेंडमेंट करते हुए नए ऑर्डर जारी किए जाए। एहतजाजी तुलबा NHM डॉन डॉन, कमिश्नर डॉन डॉन, वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट हेल्थ मिनिस्टर वो दीगर नारे लगा रहे थे। क्लासेस का बाइकॉट किया गया। इस दौरान पुलिस एहलकारों की जानिब से तुलबा के साथ सख्ती भी की गई और इन्हें ज़बरदस्ती हटाया गया। यूनानी मेडिकल स्टूडेंट्स ने मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि कदीम तरीन यूनानी मेडिकल शोबे के साथ सौतेला इम्तियाजी सलूक का सिलसिला अब भी जारी है। इन्होंने कहा कि एम्स की जानिब से यूनानी को छोड़कर आयुर्वेद होम्योपैथी के कॉलेजेस कायम किए गए। दोनों होम्योपैथी और एलोपैथी के गवर्निंग बोर्ड्स अलग अलग कायम किए गए हैं, जबकि यूनानी को नज़रअंदाज कर दिया गया। एरिया हॉस्पिटल से भी यूनानी डॉक्टर्स को बर्खास्त किया गया और नए तकर्रुरात आयुर्वेदा और MBBS के लिए किए गए। सब आवर जा रहे हैं, कोई तहरीरी एश्योरेंस नहीं दिया जा रहा। तुलबा ने मजीद तफसीलात भी बताई। हमारे प्रोटेस्ट करने की पहली वजह यह है कि यूनानी को हर जगह डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा। पहले तो अभी रिसेंटली हम आपको एरिया हॉस्पिटल जो रहते हैं उसमें वहाँ के वहाँ पर मौजूद यूनानी डॉक्टर्स को टर्मिनेट किया गया और जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए वो सिर्फ आयुर्वेदा और MBBS के लिए हुए। ये पहला डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन ये था कि एम्स के कॉलेजेस जो है पूरे इंडिया में आयुर्वेदा और होम्योपैथी के स्टैब्लिश हुए, एक भी यूनानी का स्टैब्लिश नहीं हुआ। तीसरी बात, गवर्निंग और मैनेजिंग बोर्ड होम्योपैथी का आयुर्वेदा का अलग से है लेकिन यूनानी का कोई अलग से बोर्ड नहीं है। ठीक है, इतने सारे डिस्क्रिमिनेशन हम देखते जा रहे, कोई आवाज नहीं उठा रहा। बोल रहे सही तरीका अपनाओ, सही तरीका अपनाओ, इतने साल सही तरीका ही तो अपना रहे, क्या हुआ? आज हम जब प्रोटेस्ट करने के लिए आए, कमिश्नर आए ना, हम आ रहे जा रहे, कोई सही अश्योरेंस नहीं मिल रही। जब थोड़ा जब रश बढ़ गया, हम बोले कमिश्नर को जब तक हमें बात अश्योर नहीं मिलता हम नहीं जाने देते, रिटर्न अश्योरेंस चाहिए, वो नहीं दिए। दूसरी बात, लेडीज पुलिस बहुत कम लाए, यहाँ पर मेजोरिटी गर्ल्स की है। मेल पुलिस वाला लड़कियों पर चढ़ गया, मेल पुलिस लड़कियों पे चढ़ गया, लेडीज पुलिस कम थे, उनकी गलती थी, हमारी नहीं। दूसरा, एक फीमेल डॉक्टर को मेल पुलिस लाठी चार्ज की धमकी देता, ये है डॉक्टर की डिग्निटी? हमको लाठी चार्ज की धमकी दी जाएगी? हम कौम की खिदमत करते, प्रोटेस्ट हमारा हक है, कौम की खिदमत करने वालों को लाठी चार्ज की धमकी दी जाएगी? ऐसा है हमारा मुल्क, ये है हमारा कानून, शेम ऑन द सिस्टम। लेकिन पुलिस को उनके ड्यूटी से नहीं रोक सकते, इसीलिए आप अभी क्या बोले, आप अंदर आप जाते बोले, आप जाइए बाहर, उनको कहीं को लेके जा रहे बाहर, कोई भी नहीं जाते, कोई भी नहीं जाते, आप लोग जाइए। Yeah!
चढ़ो।